गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जयवर्धन आपके लिए लेके आया हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग के 20 MCQs। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, एरिया ऑफ ड्राइंग सीट A0 इज। ड्राइंग सीट A0 का क्षेत्रफल होता है 0.5 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1.5 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर। आपका सही आंसर है 1 मीटर स्क्वायर। ड्राइंग सीट A0 का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पेंसिल लीड कॉन्टेंट्स। पेंसिल लीड में प्रयुक्त होती है ग्रेफाइट, केओलाइन, कोक और 1 एंड 2 बोथ। आपका आंसर है 1 एंड 2 बोथ। ग्रेफाइट और केओलाइन को मिलाकर पेंसिल की लीड बनाई जाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंगल बिटवीन स्टॉक एंड ब्लेड ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर में ब्लेड और स्टॉक के बीच का कोण होता है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 135 डिग्री। आपका सही आंसर है 90 डिग्री। स्टॉक और वर्किंग एज के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइडर इज यूज फॉर। डिवाइडर का उपयोग किया जाता है मेकिंग सर्कल, मेकिंग लाइन, ट्रांसफर लेंथ, नन ऑफ दीज। वृत्त बनाने में, रेखा खींचने में, माप स्थानांतरित करने में, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ट्रांसफर लेंथ, माप स्थानांतरित करने में। डिवाइडर का यूज रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए भी किया जाता है और लंबाई को स्थानांतरित करने में भी किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, राइट प्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्स एंगल सी। बहिष्कोण सी का प्रदर्शन। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सही का चुनाव करें। आपका सही आंसर है आंसर 4। बहिष्कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रेट लाइन आर मेनली डैश टाइप्स। सीधी रेखा मुख्यतः कितनी प्रकार की होती है, 2, 3, 1 या 4। आपका सही आंसर है 3। सीधी रेखा 3 प्रकार की होती है, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और तिर्यक रेखा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ पेंसिल लीड यूज इन कंपास। कंपास में किस पेंसिल की लीड का प्रयोग किया जाता है, HB, H, 2H या 3H। आपका सही आंसर है H। कंपास में H पेंसिल का लीड यूज किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, लेंथनिंग बार इज यूज्ड फॉर। लेंथनिंग बार का प्रयोग किया जाता है फॉर मेकिंग बिग रेंज स्क्वायर, फॉर मेकिंग बिग रेंज सर्कल, फॉर मेकिंग स्मॉल रेंज स्क्वायर, फॉर मेकिंग स्मॉल रेंज सर्कल। बड़े वर्ग के लिए, बड़े वृत्त के लिए, छोटे वर्ग के लिए या छोटे वृत्त के लिए। आपका सही आंसर है फॉर मेकिंग बिग रेंज सर्कल, बड़े वृत्त बनाने के लिए। लेंथनिंग बार का इस्तेमाल बड़े रेंज के वृत्त को बनाने के लिए किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, लाइन थिकनेस ऑफ टाइप ए कैपिटल लेटर इन राइटिंग। अक्षरांकन में टाइप ए बड़े लेटर की रेखा की मोटाई कितनी होती है, D=H/14, D=6H/14, D=H/10, D=6H/10। आपका सही आंसर है D=H/14। कैपिटल लेटर की रेखा की मोटाई H/14 होती है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, गोथिक लेटर्स आर। गोथिक अक्षर होते हैं थिक, थिन, 1 एंड 2 बोथ और नन ऑफ दीज। मोटे होते हैं, पतले होते हैं या मोटे पतले दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है मोटे होते हैं। गोथिक लेटर को ही डबल स्ट्रोक लेटर भी कहते हैं जो मोटे होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, फिगर में दिए गए लाइन का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है चेन थिन थिक एट एंड, चेन, चेन थिन डबल डैश, चेन थिक डबल डैश। श्रृंखलित पतली किनारों पर मोटी रेखा, श्रृंखलित रेखा, श्रृंखलित पतली एवं दोहरी खंडित रेखा, श्रृंखलित मोटी एवं दोहरी खंडित रेखा। आपका सही आंसर है
चेन थिन डबल डैश लाइन, श्रृंखलित पतली एवं दोहरी खंडित रेखा। दी गई रेखा चेन थिन डबल डैश लाइन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, द एरो हेड टाइप इज, किस टाइप का एरो हेड चित्र में दिखाया गया है? क्लोज फील्ड टाइप, बंद भरा हुआ, क्लोज ब्लैंक टाइप, रिक्त बंद, ओपन 90 डिग्री, खुला हुआ 90 डिग्री एंगल पे, टिक टाइप, टिक प्रकार का। आपका सही आंसर है क्लोज ब्लैंक टाइप, रिक्त बंद टाइप का यह एरो हेड है। एरो हेड 7 टाइप के होते हैं, क्लोज फील्ड टाइप, क्लोज ब्लैंक टाइप, डॉट टाइप, टिक टाइप, ओपन 90 डिग्री, ओपन 20 डिग्री और ऑब्लिक टाइप। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट लाइन एंड डायमेंशन लाइन, विमा रेखा और वस्तु रेखा के बीच की दूरी क्या होती है? 2 से 3 mm, 3 से 4 mm, 5 से 8 mm, 10 से 12 mm। आपका सही आंसर है 5 से 8 mm। ऑब्जेक्ट लाइन और डायमेंशन लाइन के बीच की दूरी 5 से 8 mm होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन, तीसरी कोणीय प्रक्षेप में वस्तु होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में? आपका सही आंसर है थर्ड क्वाड्रेंट में। जब वस्तु फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है तो उसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनता है, और जब वस्तु थर्ड क्वाड्रेंट में होती है तो उसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, अ प्लेन ए बी सी डी इज पैरेलल टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू वी पी, देन फ्रंट व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। एक प्लेन ए बी सी डी एच पी से समानांतर तथा वी पी से लंबवत है तो वस्तु का सम्मुख प्रक्षेप क्या होगा? अ पैरेलल लाइन विथ एक्स वाई ऑन एस टी, अ सेम साइज प्लेन ऑन एस टी, अ पैरेलल लाइन विथ एक्स वाई ऑन वी टी, अ सेम साइज प्लेन ऑन वी टी। एक्स वाई से समांतर रेखा एस टी पर, एस टी पर समान प्लेन, एक्स वाई से समांतर रेखा वी टी पर, या फिर वी टी पर समान प्लेन? आपका सही आंसर है ऑप्शन 3, अ पैरेलल लाइन विथ एक्स वाई ऑन वी टी, एक्स वाई से समांतर रेखा वी टी पर। यहाँ पे आपको ए बी सी डी प्लेन दिया गया है जहां से फ्रंट व्यू आपका वी टी पर दिखाई दे रहा है, ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, टाइप ऑफ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, चित्र प्रक्षेप के प्रकार हैं एक, दो, तीन या चार? आपका सही आंसर है 3। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन 3 प्रकार के होते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन, सममितीय प्रक्षेप, तिर्यक प्रक्षेप और प्रस्पेक्टिव प्रक्षेप। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ड्राइंग बोर्ड इज टिल्ट विथ एंगल, ड्राइंग बोर्ड को टेढ़ा रखा जाता है कितनी डिग्री पे? 0 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री या 75 डिग्री? आपका सही आंसर है 20 डिग्री। ड्राइंग बोर्ड को 20 डिग्री एंगल पे झुकाकर कार्य करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ पेंसिल इज यूज्ड फॉर लेटरिंग, अक्षरण के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? एच, 2H, 3H या 2B? आपका सही आंसर है एच। अक्षरण के लिए हम लोग एच और HB पेंसिल का यूज करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रंट व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू कैसा होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से सही चूज करें। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, वस्तु का फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू यहाँ दर्शाया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज द आई बोल्ट, इनमें से कौन आई बोल्ट है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप करेक्ट का चूज करें। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आई बोल्ट है। ये सभी फाउंडेशन बोल्ट हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, आई बोल्ट, लेविस बोल्ट, रैग बोल्ट और कोटर बोल्ट। प्लीज लाइक माई वीडियोज, थैंक यू।